हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इन मैनेजमेंट। टुडे वी विल डिस्कस ऑन मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो टुडे स्लाइड इज़ बेस्ड ऑन मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली इन दिस स्लाइड वी विल कवर व्हाट इज़ द मीन ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो लेट्स कवर व्हाट इज़ द मीन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो अकॉर्डिंग टू द थियो हेमन, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ओवरऑल डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज, सेटिंग ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव्स, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल पर्पस एंड लेइंग डाउन ऑफ ब्रॉड प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन इज द थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन वी कैन से दैट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स थिंकिंग। इट इज़ अ टॉप लेवल फंक्शन विच सेंटर अराउंड द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान। ठीक है, कि भाई आप प्लान को डिसाइड कर रहे हो, यू आर मेकिंग डिसीजन मेकिंग, यू आर प्लानिंग अबाउट योर फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, कि भी फ्यूचर में आपको क्या करना है, वेयर यू आर एंड वेयर यू वॉन्ट टू गो, कहाँ आप अभी स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ आप फ्यूचर में अपने आप को देख रहे हैं। सो ड्यू टू दिस यू आर मेकिंग नंबर ऑफ डिसीजंस। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थिंकिंग, यू आर थिंकिंग, आप थिंक कर रहे हो। ठीक है, आप डिसाइड कर रहे हो एंड यू आर मेकिंग अ फ्रूटफुल प्लान कि भी फ्यूचर में हमें करना क्या है और क्या हमारे गोल्स होंगे, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, सो बेटर अचीवमेंट ऑफ दैट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव विच प्लान एंड पॉलिसी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये सब हमारे प्लानिंग का प्रोसेस होता है, ये हमारा थिंकिंग प्रोसेस में आता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थिंकिंग। ठीक है, एंड इट इज़ अ टॉप लेवल फंक्शन विच सेंटर अराउंड द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान, कि आप प्लान बना रहे हो, आप पॉलिसीज तैयार कर रहे हो। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, कैसे हमें अपने गोल तक पहुंचना है, उनके लिए कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ठीक है, वो आप क्या कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो। सो प्लान एडमिनिस्ट्रेशन रिफर्स टू एक्टिविटीज़ ऑफ हायर लेवल। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, टॉप लेवल एक्टिविटी है। जो टॉप बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट पर जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, दे आर मेकिंग प्लान और एक वो थिंकिंग प्रोसेस प्रोसीड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, प्लान के लिए, प्रोसीजर के लिए और स्ट्रेटजी के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज़ द एक्टिविटीज़ ऑफ हायर लेवल। जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं वो मेजरली एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, सो इट लेड्स डाउन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्राइज। सो अकॉर्डिंग टू न्यूमन अ डेफिनेशन, एक डेफिनेशन किसने, न्यूमन ने दी, इन्होंने डिफाइन किया एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गाइडेंस, लीडरशिप एंड कंट्रोल द एफर्ट्स ऑफ ग्रुप टुवर्ड द सम कॉमन गोल्स। ठीक है, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स के लिए काम करते हैं, तो कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें जो डायरेक्शन दिखाई जा रही है, हमें जो लीड किया जा रहा है, हमें जो गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है, हमें एक पॉलिसी दी जा रही है जिसको इम्प्लीमेंट करना है, हमें एक स्ट्रेटजी दी जा रही है जिसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मेकिंग अ प्लान एंड प्रोसीजर, ठीक है, फॉर द वर्कर्स ऑफ ऑपरेटिव स्टाफ। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। नाउ सेकेंड वन इज मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द मीन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, रिगार्डिंग मैनेजमेंट वी कैन से दैट मैनेजमेंट इन्वॉल्व डूइंग। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन था दैट इज़ थिंकिंग और मैनेजमेंट इज डूइंग। वी हैव टू डूइंग, डूइंग मीन्स वट एवर प्लान मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टॉप लेवल दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, कि जो भी प्लान बनाया है, जो प्रोसीजर बनाया है, जो पॉलिसी बनाई है, उसको अब क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, दैट इज़ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उनके लिए प्लानिंग कर रहे हो, स्टाफिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, स्टाफिंग कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो, कंट्रोलिंग कर रहे हो, ताकि ईजिएस्ट और बेटर तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स को यूज़ कर सको। सो वेयर एज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कंसीविंग, इनिशिएटिंग एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द वेरियस एलिमेंट। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आपने उनको क्या करा, इंटीग्रेट किया, उनको ऑर्गेनाइज किया उनको। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, यू आर इंश्योरिंग कि आप बेटर तरीके से उनको यूज़ भी कर रहे हो, मीन्स टू से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। ओके, सो द डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट
while sustaining the viability of the organization towards predetermined goals, जो आपने पहले से decide करें, ठीक है। तो जो भी हमारे predetermined goals होते हैं उनको हम achieve करने के लिए जो भी हमारे पास resources होते हैं उनको हम organize करते हैं, ठीक है, ताकि हम उनको optimum और better तरीके से use कर सकें। तो वही management है, जो भी resources आपके पास available हैं उनको better तरीके से use करना। आपने plan बना लिया, procedure बना लिया, उसका implementation एंड implementation in a better way, you have to manage number of things। आपको human resource को भी manage करना होगा, आपको physical resource को भी manage करना, और आपको financial resource को manage करना होगा। तो वही management है, कैसे हम इन resources को manage करके जो भी हमारे predetermined goals हैं, यानी कि जो भी हमने goal पहले से set किए हैं उनको हम achieve करते हैं। तो that is management, okay। So management is multi-purpose organ, what a manager does, manager जो भी कर रहा है, whether he is doing planning, organizing, staffing, directing, controlling, that is management। In other words, it is an art of getting things done, ठीक है। Management क्या है, management is a art of getting things done through with the people in formal organized group। जो भी आपने group बनाया है, जो भी आप लोग हैं उनको, उनसे आप कैसे better तरीके से अपने goals को achieve करवा रहे हो, ठीक है। You are guiding them and they are doing whatever you are saying। जो भी आप कह रहे हो, जो भी आप instruction दे रहे हो, वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो that's why I am saying it is a art of getting things done, okay। तो यहाँ पे एक फिगर भी दिखाया गया है, इस फिगर में देख लीजिए, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल और सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल एंट्री लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे ऊपर देखिए, इन द टॉप फर्स्ट वन इज़ एडमिनिस्ट्रेशन थिंकिंग, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट ऑलवेज इन्वॉल्व एंड बिजी इन एडमिनिस्ट्रेशन थिंकिंग अबाउट द मेकिंग प्लान एंड पॉलिसी। तो इनके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो कौन कौन से स्किल्स हैं, इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल स्किल्स 60%, टेक्निकल स्किल्स 20%, ह्यूमन स्किल्स 20%, ओके। नाउ सेकंड लेवल इज मिडल मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो मिडल मैनेजमेंट में हम एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम, जैसे कोई डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है तो वो अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग भी करता है, ठीक है, वो अपने डिपार्टमेंट के लिए एक प्रोसीजर भी तैयार करता है, एज वेल एज उसको इम्प्लीमेंट भी करता है, ओके। तो इसलिए यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। और मिडल मैनेजमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स 20%, टेक्निकल्स यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं, टेक्निकल स्किल्स 60% और ह्यूमन स्किल्स 20%, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज मैनेजमेंट डूइंग, ठीक है, वट एवर वी आर मेकिंग प्लान बाय द टॉप मैनेजमेंट दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑपरेटिव और सुपरवाइजरी लेवल। तो जो यहाँ पे जो थर्ड लेवल लिखा हुआ है मैनेजमेंट डूइंग, ठीक है, तो इनके लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो है कंसेप्चुअल स्किल्स 5%, टेक्निकल स्किल्स और यहाँ पे इंक्रीज कर दिए गए 65%, क्योंकि एवरी टाइम यू आर इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, और ह्यूमन स्किल्स 30%। आफ्टर दैट एक यहाँ पे और फिगर दिखाया गया है, ठीक है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। तो जो टॉप लेवल है, जो डायग्राम एक जो ये फिगर शो कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व इन टॉप एंड मिडल लेवल और मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन मिडल और लोअर लेवल। तो इजली यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई टॉप लेवल का, टॉप लेवल और मिडल लेवल और लोअर लेवल ये किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ तो ईजिली इस फिगर के द्वारा शो किया गया है कि भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है दैट इज़ कंसीडर इन टॉप और मिडल लेवल और मैनेजमेंट मिडल और लोअर लेवल, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट डिफरेंस है, मैनेजमेंट इज एन एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन इज डिसीजन मेकिंग फंक्शन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में हम नंबर ऑफ डिसीजंस ले रहे हैं अबाउट द ऑब्जेक्टिव, अबाउट द प्लान, प्रोसीजर, स्ट्रेटजी, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज एन एग्जीक्यूटिंग फंक्शन, यानी कि जो भी हमने प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है मिडल लेवल पे और लोअर लेवल पे। तो दिस वन इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड वन है, मैनेजमेंट डिसाइड हु शुड एज इट एंड हाउ शुड ही डू इट, ठीक है। तो यहाँ डू है, तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज डिसाइड कौन क्या काम करेगा, डिवीजन ऑफ वर्क इज डन बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। किसको आपको किस पोजीशन पे प्लेस करना है, ये सब फंक्शंस। एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज़ टू बी डन। एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये डिसाइड करते हैं कि भी करना क्या है और कब करना है, लेकिन किसके थ्रू करना है दैट इज डिसाइड बाय द मैनेजमेंट, ओके। नेक्स्ट वन है,
टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स. मैनेजमेंट रिक्वायर टेक्निकल स्किल्स वेयर मैनेजमेंट डिजायर टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स वेयर एज एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड कंसेप्चुअल स्किल्स. ठीक है, कंसेप्चुअली यू हैव टू डिसाइड अबाउट द योर फ्यूचर गोल्स एंड व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू. ओके, क्या प्लान, क्या प्रोसीजर, क्या आपके कॉम्पिटिशंस कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं. सो आप आफ्टर द फाइव ईयर वेयर यू वॉन्ट टू स्टैंड यू, आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू बाय द डायरेक्टिंग देयर एफर्ट्स. आप जितने भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनके एफर्ट्स को डायरेक्ट करके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करते हैं, तो वही मैनेजमेंट है. ठीक है, हाउ टू गेट डन वर्क डन विद द हेल्प ऑफ अदर्स, जो भी हमने प्री डिटरमाइंड गोल्स अपने सेट किए हैं. इट इज़ कंसर्न विद फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव प्लान एंड पॉलिसी. अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मेकिंग प्लान प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, या पॉलिसी. सेकेंड जो डिफरेंस है दैट इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेबिलिटी या फिर यूजेस. ठीक है, सो इट इज़ एप्लीकेबल टू बिजनेस कंसर्न प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन वेयर एज इट इज़ एप्लीकेबल टू नॉन बिजनेस कंसर्न क्लब स्कूल्स और हॉस्पिटल्स. तो फर्स्ट डिफरेंस है जो मैनेजमेंट है इट इज़ एप्लीकेबल टू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ इट इज़ एप्लीकेबल टू नॉन बिजनेस कंसर्न क्लब स्कूल्स हॉस्पिटल्स. सेकेंड डिफरेंस द मैनेजमेंट डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यू. ठीक है, क्या हमारे वैल्यूज हैं, क्या हमारे ओपिनियंस हैं, क्या हमारे बिलीव्स हैं, डिसीजन ऑफ द मैनेजर. लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन इज इन्फ्लुएंस बाय द पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट पॉलिसीज. ठीक है, तो देखिए जब भी हम कोई भी प्लान बनाते हैं, जैसे कि आप एचआर में स्टैंडिंग ऑर्डर होता है. ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर में अगर आप कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसिडर अबाउट द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट. तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो आपको फॉलो करनी होंगी. आफ्टर दैट यू कैन चेंज एंड अमेंड इन यूर स्टैंडिंग ऑर्डर. ठीक है, जो भी ऑर्डर चेंजेस करेंगे वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा. सो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कस्टम्स. ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है मैनेजमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में. मैनेजमेंट कंस्टिट्यूट द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर पेड रेम्यूनरेशन. आप क्या कर रहे हो, जितने भी लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स को आपने हायर किया है, आप उनको क्या कर रहे हो, उनको डायरेक्ट कर रहे हो, उनको लीड कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए. जो भी कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए आप उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लीड कर रहे हो, और इसके लिए आप उनको पे भी कर रहे हो. ठीक है, जितने भी वो एफर्ट्स यूज कर रहे हैं उनके बेसिस पे आप उनको रेम्यूनरेट कर रहे हो इन द फॉर्म्स ऑफ सैलरीज एंड वेजेस. ठीक है, तो मैनेजमेंट कंस्टिट्यूट द एम्प्लॉय ओके ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हु आर पेड. एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंट ओनर ऑफ द एंटरप्राइज. अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ तो जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं वो क्या होते हैं, ओनर होते हैं एंटरप्राइज के या ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनर हैं. हु अर्न रिटर्न, जो अर्न करते हैं रिटर्न ऑन देयर कैपिटल, इन्वेस्ट करते हैं पैसा, प्रॉफिट इन द फ्रॉम डिविडेंड और डिविडेंड से प्रॉफिट कमाते हैं. ठीक है, प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच. सो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. तो देर इज़ अ नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या मैनेजमेंट है. ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा. मैनेजमेंट इज डूइंग फंक्शन डूइंग, और एडमिनिस्ट्रेशन इज थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट द पॉलिसीज, सेटिंग ऑफ मेजर ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लान एंड प्रोसीजर. लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इज एग्जीक्यूटिंग दैट प्लान जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाया गया है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना एट मिडल एंड ऑपरेटिव लेवल, दैट इज मैनेजमेंट. कैसे मैनेज, कैसे इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लान. आप प्लानिंग करोगे, आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे, आप स्टाफिंग करोगे, आप डायरेक्टिंग करोगे, आप कंट्रोलिंग करोगे. ठीक है, ताकि आप बेटर तरीके से ये इंश्योर करके चलो कि जो भी हमने प्लान बनाया है उसको हम बेटर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और गोल्स हैं उनको विद इन फ्रेमवर्क टाइम पीरियड में कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, सो ओके, थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी देन यू कैन अगेन डिस्कस. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच.